Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. रात के 1:20 बज चुके हैं और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि इस समय मैं ओल्ड राजेंद्र नगर खड़ा हूं, जहां आज शाम को देखा गया कि एक बड़ा हादसा होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर की जो लाइब्रेरी थी, जो बेसमेंट में चल रही थी, भारी बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति हो जाती है यहां सड़क पर, जिसके बाद जो पानी है अंदर लाइब्रेरी बेसमेंट में चला जाता है, जिसके कारण यहां पर 3 बच्चों की मौत हो गई। तकरीबन 4 से 5 घंटे लंबा ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था जो चला है, जिसमें 2 लड़कियां जो यूपीएससी के एस्पिरेंट थी, पहले उनकी बॉडीज रिकवर की जाती है। और अभी मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि यही वही प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जहां पर आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस खड़ी है और जो तीसरी बॉडी बताया जा रहा है एक लड़के की है, उसको रिकवर किया गया। आप देख सकते हैं कि लाइफ जैकेट्स के साथ जो एनडीआरएफ के जवान है, लाइफ राफ्ट हो उसके साथ अंदर गए हैं। अभी कुछ देर पहले स्ट्रेचर भी अंदर गया था, तो बॉडी को यहां से रखकर अस्पताल लेके जाया जाएगा। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी जो पानी निकालने की जद्दोजहद है वो जारी है। 4 घंटे से ऊपर बीत चुके हैं। पहले देखा गया कि छोटी मोटर लाई गई, फिर बड़ी मोटर लाई गई, बड़ी पाइप्स लाई गई, और वहीं आप पानी का बहाव देख सकते हैं वो कितना तेज है, पानी का बहाव कितना तेज है। यहीं से आप समझ गए होंगे कि अंदर जो जल जमाव की स्थिति है वो कैसी हो गई है। वहीं आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, फायर ब्रिगेड हो, और भी जो अन्य सिविक बॉडीज है यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तीसरी बॉडी जो बताया जा रहा है एक मेल यूपीएससी एस्पिरेंट की है, वो निकाल ली गई और आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस पर रखकर उसको लेके जाया जा रहा है। यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी इकट्ठे हो गए हैं, विद्यार्थियों में गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, रोष भी है। यहां आज शाम को देखा गया कि तकरीबन जब 6 बजे के बाद भारी बारिश होती है, जल जमाव की स्थिति हो जाती है, यहां 3 से 4 फुट पानी भर जाता है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो पाइप थी वो फट जाती है, जो पानी है वो अंदर घुस जाता है। कई जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि एक गाड़ी के यहां से निकलने के कारण जहां जल जमाव की स्थिति थी, जो पानी है अंदर बेसमेंट में घुस जाता है, जिससे हादसा हुआ। तकरीबन 30 से 40 विद्यार्थी बताए जा रहे थे बेसमेंट के अंदर थे, जो वक्त लगते तो निकल गए, पर 3 बच्चों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। और कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कमी है उसका जो खामियाजा है उन बच्चों को भुगतना पड़ा। और ये आज जो करोल बाग की जगह है, जिसे हम ओल्ड राजेंद्र नगर का मैं इलाका जहां खड़ा हूं, जिसे यूपीएससी कोचिंग का मक्का भी कहा जाता है, राजनीति का अखाड़ा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे बड़े नेता हो, चाहे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सहदेवा हो, यहां से जो मेंबर पार्लियामेंट है बांसुरी स्वराज, और चाहे एमसीडी में मेयर शैली ओबरॉय हो, और जो दुर्गेश पाठक जहां से मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहां पर आए थे। दोनों पार्टियों में वाद विवाद भी हुआ, आरोप प्रत्यारोप भी हुआ, पर कहीं ना कहीं प्रशासन की खामी का जो भुगतान है बच्चों को भुगतना पड़ा। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो बच्चे हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो लोग हैं स्थानीय हैं इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के ट्रक, फायर ब्रिगेड के जो ट्रक है यहाँ पर खड़े हैं, और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की भी यहाँ भारी तैनाती की गई है मौके को काबू करने के लिए। पर कहीं ना कहीं बच्चों में नाराजगी भी है, रोष भी है, गुस्सा भी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चालू है, तीसरी बॉडी निकाल ली गई है, और आप देख सकते हैं कि जो सारा प्रशासनिक अमला है वो यहाँ है। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि इन बच्चों की मौत का जिम्मेवार कौन, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले निलेश राय, जो 26 साल का युवक पटेल नगर का रहने वाला था, वो भी यूपीएससी का एस्पिरेंट था, उसकी भी मौत हो जाती है करंट लगने के कारण, जल जमाव के कारण। देखा गया कि तार में जो करंट था उसकी चपेट में आ जाता है, उसकी मौत हो जाती है। और तकरीबन इस 4 से 5 दिन के बीच ये दूसरा हादसा है इसी इलाके में, जो कहीं ना कहीं एमसीडी पर और भी जो सिविक एजेंसीज हैं उन पर बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं।